गाइज ये ले ली है 3 लौकी मैंने, और ये घिया कस ले लिया है, ये छिलर ले लिया है, चक्कू ले लिया है, और लौकियों को वॉश कर लिया है मैंने। और मैं बनाऊंगी आज लौकी के कोफ्ते। पूरी रेसिपी दिखाऊंगी मैं किस तरह से बनाऊंगी, पूरी वीडियो में बने रहना। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को कर लियो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लियो प्रेस, और शेयर कर दियो अपने फ्रेंड सर्कल में, और लाइक कर दिया करो भाई, कमेंट करके बता करो आप सबको वीडियो कैसी लग रही है। दोनों साइड से इस तरह से कट कर ले, और फिर छिलर से मैं छील लूँगी उस तरीके से तीनों घिया को। आज मौसम हो रहा बहुत अच्छा, मन करा अभी घिया रखी थी घर पे, घिया के कोफ्ते बना ले, बारिश का मौसम हो रहा है। आज जाना था मेरा गांव में था, लेकिन क्या करें बारिश आ गई इसलिए मैं जा नहीं पाऊँ। सोचा भाई बच्चों को घिया के कोफ्ते बना के खिला दूँ, गर्मी में तो खाई नहीं जाती इस तरह की चीज़ें, लेकिन बारिश के मौसम में तो स्वाद लगा है। इस तरीके से इन घिया को छील लूंगी मैं फास्ट फास्ट। लिया है मैंने और कट कर लिया है, और अब मैं घिया कसमे के कस लूंगी इनको। और वो मैंने पहले कर दिया था इनको, मैं छिलर से घिया कस से ऐसे इस तरह से टेस्टी लगा है हमने तो भाई घिया के कोफ्ते। और सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और आज देखना मैं किस तरीके से बनाती हूँ, सबका तरीका अलग अलग होता है। आज मेरा भी तरीका देखना कैसे बना रही हूँ घिया के कोफ्ते। और मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, स्वाद अनुसार नमक डाल लूँगी इसमें मैं, और ये हरी मिर्च डाल दूंगी। कूट लूंगी, लाल मिर्च नहीं डालते हम, हरी का अच्छा आया करा स्वाद अनुसार डाले, कोई कम खाता कोई ज़्यादा, या ज़्यादा मुँह जलनी मिर्च नहीं है। वैसे तो मैं तो ज़्यादा खाती, लेकिन बाकी और कम खाते हमारे घर में मिर्च। ये बिस्किट मिर्च और हल्दी डाल दिया मैंने, अब बेसन और इसको मिक्स कर दूँगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी एकदम से इस तरह से। बेसन को 10 मिनट पहले भिगोना चाहिए, एकदम अच्छे से रेडी हो जाए हमारा बेस, फूल जाएगा ये अच्छे से, फिर ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा, मीडियम कर लिए। निचोड़ ले पूरे को इस तरीके से, ऐसे ही करें सारे पानी को अलग से कर लें। इस तरीके से बना लें, ये निचोड़ के रख लिया है। और अब इसके बेसन का पेस्ट भी हमारा तैयार हो गया है, अब इसको इसी में
मिक्स कर दूंगी। चाहे तो इसके छोटे छोटे से गोले से बना के उस तरह से बना लो, चाहे इसमें मिक्स करके उस तरह से बना लो, दो तरीके से बनता है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं तो इसी तरीके से बना रही हूँ। ये मेरा ऑयल गर्म हो गया है, ऑयल रख दिया था मैंने गर्म होने के लिए, और अब मैं बनाना स्टार्ट कर दूँगी। गाइज मैंने बेसन में ही मिक्स कर दिया है और अब मतलब बनाऊँगी कोफ्ते। बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बन गए हैं हमारे। कितने अच्छे कोफ्ते बन गए हैं। आओ जी आप भी खा लो कोफ्ते। और यह मैंने पेपर रख लिया है, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें रह जाएगा। ये देखो और उतार लूँगी मैं। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, अच्छे से गर्म होना चाहिए ऑयल, नहीं तो अच्छे नहीं करेंगे, ऑयल भी अंदर हो जाएगा। अब जो बन के थोड़ा थोड़ा सा लेके इस तरह से उतार लें। देखिए दिया